पता चल जाएगा। आप दीक्षा ऐप अपना ओपन कीजिए, आप उसमें हेडमास्टर पे एडिट पे जाइए, एडिट खोलकर आप उसमें कॉलम आएगा, उसमें हेडमास्टर पे आप क्लिक कीजिएगा, और तब हेडमास्टर पे आप जब क्लिक करके जाइएगा तो आपके पास कोर्स ओपन हो जाएगा, और तब आपको कोर्स करना है, और उस कोर्स को करने के क्रम में आपको कुछ गतिविधियां करनी है बच्चों के साथ, और फिर उसको अपलोड करना है। ठीक, धन्यवाद। तो सर अपलोड करना है, और ये जरूरी है, बिहार सरकार का सख्त निर्देश है कि ये भारत सरकार का मिशन है, निपुण भारत निपुण बिहार, तो भारत सरकार की मिशन है, और इसको बिहार सरकार ने एकदम बड़े बड़े लेवल पे कार्य करना प्रारंभ किया है। इसके लिए पदाधिकारियों की टीम बन गई है, पटना से पदाधिकारी विद्यालयों में चेकिंग करने कभी भी किसी भी समय कहीं भी जा सकते हैं, उनकी टीम निकल रही है। और आपको अगर दीक्षा ऐप में कोई भी कार्य करने में दिक्कत आती है तो आप लोग किसी भी मतलब दरभंगा में टेक्निकल तकनीकी सदस्यों की टीम बन गई है, आप उनसे राय मशवरा करके अपनी जानकारी लेकर अपने ऐप को अपलोड करके कार्य को शुरुआत कर सकते हैं, कार्य की शुरुआत। और भी किन्हीं को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। टेक्निकल सदस्य जो लोग हैं मैम, उनका नंबर या उनका पता तो होना चाहिए हम लोग के पास। आप बीआरसी से ले लेंगे, आपको मिल जाएगा, राजू जी का नंबर तो सबके पास है, थैंक यू, आप बीआरसी से ले लेंगे सर। जी जी और कहना है कि प्रत्येक ठीक दिन अभी ये कार्यक्रम चलता ही रहेगा, तो प्रत्येक दिन हम लोगों को हेडमास्टर को शिक्षकों के साथ मिलकर विद्यालय में बच्चों के साथ गतिविधि आधारित कार्य करना है, इसीलिए आज की कार्यशाला रखी गई है। और भी किसी को कोई बात जानकारी लेनी है तो पूछ सकते हैं, और मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे आप डायरेक्ट भी आपके व्हाट्सएप पे डाल दिया जाएगा ये बुकलेट, और उस बुकलेट में आपको किस तरह से कार्य करना है आपको उसको देख देख के उसको निष्पादित करना है। मैं निवेदन करती हूँ और सदस्यों से, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है दीक्षा ऐप में माइक्रो टीचिंग अपलोड करने में या माइक्रो इम्प्रूवमेंट की कक्षाओं को डालने में, तो आप उससे संबंधित बातें तकनीकी सदस्यों से ले सकते हैं, और इसको करना अनिवार्य है, विद्यालय में इसको करना अनिवार्य है, कक्षा 1 से लेकर 8 तक को ध्यान में रखकर निपुण भारत निपुण बिहार का ये जो मिशन है इसमें एक अभियान की तरह सरकार ने लिया है, और इसमें सरकार बहुत सख्त है, और सारे प्रधान अध्यापक का व्हाट्सएप ग्रुप पटना तक बन गया है, अगर कहीं किसी कोई दिक्कत होती है तो आप अब व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज डाल सकते हैं, लेकिन कि कैसे भी करके विद्यालय में आपको बच्चों के साथ गतिविधि करके साफ सुथरा अच्छा फोटो अपलोड करना है। मेरा स्क्रीन तो दिख रहा है, कोई एक जन ओपन करके बोल देंगे, किसी को तो मेरा स्क्रीन तो दिख रहा है। मैं स्लाइड दे रही हूँ, आप लोग स्लाइड के अकॉर्डिंग उसका स्लाइड ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए, और बाद बाकी जानकारी भी आप लोगों को सत्र के माध्यम से दी जाएगी। आज तो शुरुआत है, सत्र की शुरुआत है, और ऐसे करके आप लोगों को जैसे ही विभाग के द्वारा हमें निर्देश मिलेगा, हम आके हम लोग आप लोगों के लिए सभी कोई तैयार हैं, कहीं कोई निर्देश मिलता है तो हम लोग कार्य करेंगे, तो वही है कि आप लोग मीटिंग में जुड़ते रहिए, और बाद बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप पीआरसी से हमारे संपर्क कर सकते हैं, यहाँ आपको मदद करने के लिए सारे लोग उपलब्ध हैं, और इसको सरकार एक अभियान के रूप में ले रही है, अभियान के रूप में कार्य हो रहा है,
तो इसमें आप लोग सभी अपना ध्यान देंगे, अभियान के रूप में ये कार्य कर रहा है। आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन? आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन? यस मैम। तो आप लोग देखते रहिए, ये बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, इस तरह से हम लोगों को फोटो भी अपलोड करना है, जैसे ये पिक्चर किसी विद्यालय का ही है। और आप लोगों को बताते हुए हम बहुत खुशी हो रही है कि अभी जो इसका राष्ट्रीय गीत बिहार का बना है, निपुण भारत मिशन के तहत बिहार गीत जो बना है, उसमें दरभंगा के बच्चों का भी फोटोज है, हमारे विद्यालय के भी फोटोज है उसमें। तो इसी प्रकार आप लोगों को भी करना है कि राष्ट्र स्तर पर जाएगी विद्यालय की कार्य रूपरेखा। और मैंने कहा कि अभी टीम विजिट हो रही है, अभी पदाधिकारी आपके विद्यालय, हमारे विद्यालय में आते रहेंगे। अब इसके बाद आप लोग देखते रहिए आगे की योजना, क्या कार्य होगा, आगे की योजना एवं किए जाने वाले कार्य। प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर, जैसे मैंने कह दिया, शिक्षा पदाधिकारी द्वारा संचालित एक व्हाट्सएप ग्रुप में जिला अनुश्रवण टीम के सदस्यों को जोड़कर अनुश्रवण को प्रभावी बनाया जाएगा। यानी कि अब इसमें आपको हमेशा कोई ना कोई जूम मीटिंग में जुड़ना है और गतिविधियों को विद्यालय स्तर पर करना है। यहाँ आप ध्यान देंगे, ब्लॉक स्तर पर देख लीजिए आप लोग, ब्लॉक स्तर पर बने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, जैसे कि आप सभी प्रधान अध्यापक का और शिक्षकों का ब्लॉक स्तर पर ग्रुप है, उसमें आप लोगों को आवश्यक जानकारियां दी जाएंगी और विद्यालय में उसी अनुरूप आप कार्य करेंगे और अपना माइक्रो इम्प्रूवमेंट का काम को तेजी से पूर्ण करेंगे। ऐसे कोई भी प्रधान अध्यापक जो कि दीक्षा ऐप पे माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को ओपन नहीं किए हैं, आपसे निवेदन है कि आप लोग इसको ओपन कर ले। रहे हैं यहाँ पर राजस्थान की टीम है, राजस्थान के 10 विद्यालयों का चयन किया जाएगा सभी ब्लॉक में। ये भी है कि अब इसको देखा जाएगा और सभी को ब्लॉक लेवल पे एक एक विद्यालय को लिया जाएगा, एक एक विद्यालय प्रधान से जुड़ा जाएगा। देख रहे हैं आप लोग, वो लिस्ट मैंने निकाली है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि आप लोगों को किस तरह से काम करना है। और मैं देख रही हूँ कि अभी ज्यादा से ज्यादा 25 लोग जुड़े थे, अभी 15 लोग हैं, तो इसमें तो मुझे कम से कम 93 लोग चाहिए, 93 प्रधान अध्यापक महोदय की जरूरत है मुझे। सबका लिस्ट किया हुआ है यहाँ पर, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ज्यादा अच्छा होगा। और आप लोग को दिया ही जा रहा है जिला तकनीकी टीम के सदस्य। आप सभी देखिए जिला तकनीकी टीम के लिए सपोर्ट स्ट्रक्चर है यहाँ, जिला स्तरीय अनुश्रवण टीम का गठन हो गया है। आपको बता दें, काफी खुशी हो रही है कि ये सारे गठन हो गए हैं। अभी अनुसमर्थन टीम के सदस्यों का व्हाट्सएप ग्रुप भी बन गया है, अनुसमर्थन टीम के सदस्यों को ओरिएंटेशन कार्यशालाएं भी माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा दे दी गई है, उसके बाद भी बीईपी हेड किरण मैडम के द्वारा भी दे दी गई है। अनुसमर्थन टीम के सदस्यों का ओरिएंटेशन हो गया है, आज हमारे प्रधान अध्यापकों का दरभंगा नगर का ओरिएंटेशन है। अनुसमर्थन टीम के सदस्यों के साथ एसओपी एवं तकनीकी मैनुअल साझा किए जा रहे हैं, मैं भी आप लोगों के साथ तकनीकी मैनुअल साझा की। आप लोगों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख ले और व्हाट्सएप ग्रुप में निरंतर आप प्रश्न और उत्तर करते रहेंगे और अपने कार्यों को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये एक अभियान है, एक मुहिम है कि हमारे विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चे अच्छे से पढ़ लिख ले। इसके लिए हम सभी की जागरूकता जरूरी है और इसके तहत ही निपुण बिहार कार्यक्रम के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। ऐसे निपुण भारत के अंतर्गत इस कार्य को बिहार सरकार ने
निपुण बिहार के नाम से लॉन्च किया है और इसका एक ही मात्र लक्ष्य है कि हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे का भाषाई ज्ञान और संख्या ज्ञान सही हो और वो गणना करना गुणा करना सीखे। बात देखिएगा रणनीतियां किस प्रकार से काम होंगे, ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले। रणनीतियां सामग्री का निर्माण करना है विद्यालय में, संवाद हेतु तीन तीन प्रमंडल प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का व्हाट्सएप ग्रुप है, फील्ड विजिट है, ये हम लोगों को पटना से ही दिशा निर्देश मिले हैं। मैडम मैडम ये जो लिखा हुआ आ रहा है आपका ऊपर स्क्रीन पर, ये तो इतना महीन है कि उसका स्क्रीन शॉट लेने पर भी हम लोग कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं। लेने पर आप पढ़ अब दिख रहा है, अब थोड़ा बढ़ा है जी। हाँ तो सर अब उसको जो देखने वाले हैं ना हम लोग उसे देख के बड़ा करना है सर, वो बड़ा हो जाएगा सर, हमारे देखो नहीं बड़ा हुआ है सर, हम लोगों को पटना से ऐसे ही दिखाया गया था सर, वो छोटा छोटा ही हम लोग देखे थे सर। थोड़ा हम लोग को दिक्कत होती है उतना में जी जी कोई अभी ठीक है जी सर, अभी ठीक है, ठीक है सर। और अभी हम लोग देखते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चले क्योंकि कार्य करना है विद्यालय स्तर पर, टीम विजिट होगी, सरकार का सख्त निर्देश है कि एक अभियान होगा और अभियान के तहत कार्य होगा। ठीक है ठीक है, अभी मैं स्क्रीन पे देख पा रही हूँ 15 पार्टिसिपेंट है, जैसे पहले मैंने देखा था 25 लोग जुड़े थे, 93 लोगों में 93 प्रधान अध्यापकों में मात्र 25 लोग ही मानिए, आज उनका पीओ साहब भी थे और रिकॉर्डिंग हुआ है, तो इसके बाद भी मुझे लगता है एक सत्र होगा, तो अभी राजू जी आएंगे और संबोधन करेंगे आप लोगों को। राजू जी को बुला, ये बहुत बड़ा एक अभियान है और इसमें जुड़ के सभी प्रधान अध्यापकों को कार्य करना है और हम लोग आप लोगों को समय समय पर सत्र आयोजित करके बताएंगे और कहीं दिक्कत हो तो आप BRC से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। 25 लोग जुड़े थे, उसके बाद 15 लोग है। सभी HM को बताया गया था कि कल अनिवार्य रूप से 11 बजे जूम ऐप के माध्यम से जुड़ने के लिए, परंतु अभी जो देख रहे हैं मात्र 25 विद्यालय के HM ही जुड़ पाए हैं, तो अभी जो मीटिंग में बताया गया है क्या करना है आप लोग समझ गए क्या सभी आदमी? थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है, आपका पहले भी जो आया था उस व्हाट्सएप में उससे देख के कुछ हम लोग कर भी रहे हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत महसूस हो रहा है अभी तक जो मैडम के द्वारा बताया गया है। आवाज जा रही है मास्टर जी? हाँ बोलिए। हेलो जी जी बोलिए। अरे ये सब जो लिखा पढ़ा हुआ है ये सब तो है ही 30 पेज का हम लोग के पास, असल में है अपलोड कैसे करना है ये बताइए ना। अच्छा बताया जा रहा है, तुरंत बताया। हाँ सर अपलोड करने के लिए ये सब लिखा हुआ कितना ढेर सारा चीज है हम लोग के पास, ये गतिविधि क्या करना है ये सब बताइए असल में। हाँ जी सर, गतिविधि क्या करना है तो इसके लिए किताबें निकल चुकी है, अब हमें दरभंगा में मिल जाएगा, उसके बाद ये विद्यालय में ऐसे आपको करना कि आप दीक्षा ऐप पे जाइएगा और दीक्षा ऐप ये सारा काम कर लिए है मैडम, ये सारा काम हम लोग ने कर लिया है, जो अब करना क्या है। हाँ सुनिए ना, तो उसमें गतिविधियां है ना, गतिविधि किए हैं, कोर्स ऑन किए हैं, ये सारा कर लिए है मैडम, कोर्स ऑन कर, उसके आगे कैसे बढ़ेंगे ये बताइए मैडम। हाँ तो कोर्स ऑन कर लिए हैं, अब कोर्स ऑन के बाद आपको प्रोजेक्ट दिया गया होगा, प्रोजेक्ट सबमिट, अपनी परियोजना को सबमिट। हाँ तो वह कैसे सबमिट करेंगे ये बताइए। तो जो प्रोजेक्ट दिया हुआ है आपने बच्चों के साथ शिक्षकों की भागीदारी के साथ वो करवाया है विद्यालय में, ये पठन पाठन डेली करवा रहे हैं, ये लोड करना बताइए मुझे। हाँ तो आपको उसका फोटो खींचना है और जस्ट उसको उसमें डाल देना है, अपलोड कर देना है।
फोटो खींच के अपलोड कर देना है। एक्टिविटीज वगैरह आप विद्यालय में करवा रहे हैं उसका फोटोग्राफ खींच के और उसका जो पोर्टल होगा उस पर अपलोड कर देना है। बस सिंपल, साफ सुथरा फोटो हो, मतलब कि डार्क रूम नहीं हो, अच्छे से बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। अगर गतिविधि कराए हैं तो बच्चे चार्ट पेपर पे मॉडल बनाए हैं, बच्चे संख्या ज्ञान कर रहे हैं, ऐसा कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसका फोटो खींचिए और उसको वहां अपलोड कर दीजिए। सिंपल है हर कोर्स में। हाँ कोर्स में जो कोर्स है कोर्स का हेडिंग करके जैसे आप फोटो खींचेंगे ना तो उसके ऊपर आप एक दो ऐप हम लोग बता देंगे, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, फोटो के ऊपर लिखिएगा और लिख के उसको अपलोड कीजिएगा कि ये कार्य मैंने किया। ठीक है मैडम, इसलिए हम सोच रहे थे मैडम जो ये एक बार फेस टू फेस होना चाहिए था, ये शाम ये मीटिंग ऑनलाइन तो ढेर सारा सुने हैं, आज भी सुन रहे हैं, तो फेस टू फेस में ज्यादा लोग समझता है, अभी तो होना चाहिए एक बार। अभी तो चल रहा है ना, परियोजना में भी आप जा सकते हैं। ऐसा है ना, सुनिए ना, अभी आप जो बता रहे हैं उसके करके देख, सुनिए ना सर, आप करके प्रयास कीजिए, अगर दिक्कत महसूस होती है तो फिर फेस टू फेस एक मीटिंग का मैनेजमेंट करवाते हैं। एक एक मीटिंग जो है हम लोग बीआरसी पर या फिर विद्यालय पर ही कहीं पर एक इकट्ठा हो जाएंगे, उस दिन कहेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, और दूसरी बात ये कहना है कि जो लाइब्रेरी के लिए बुक आया है जो बीआरसी पर अभी उपलब्ध है, आज और कल जो मिडिल स्कूल के एचएम है, वही प्राइमरी के नहीं, जो मध्य विद्यालय के एचएम है, वो कृपया आ जाएंगे बीआरसी पर, और जो बुक्स प्रोवाइड किया गया है विद्यालयों के लाइब्रेरी के लिए वो कृपया यहाँ से आप लोग प्राप्त कर विद्यालय में उसका अच्छे रूप से लाइब्रेरी की तरह बना के उसको रखना है, बच्चे को उसको पढ़ने के लिए देना। कल दे रहे हैं, आज है और कल, आज आ सकते हैं तो आज आ जाइए, नहीं तो कल आइए, कल तक। लेकिन कितने बजे देंगे? अभी अभी भी आ सकते हैं, आपके मीटिंग के बाद आप आ सकते हैं, मतलब अच्छा। आज से लेके कल तक में सिर्फ मध्य विद्यालय के लिए, मध्य विद्यालय के बाद प्राथमिक विद्यालय, ठीक है? तो आज और कल मिडिल स्कूल के जो एच एम है वो आ सकते हैं बीआरसी पे, आके बुक्स ले लीजिए, बुक्स को स्टॉक एंट्री करके और फिर लाइब्रेरी के लिए रखिएगा। और ये जो अभी इसको आपको किसी भी तरह दिखे आप में कोर्स करके, और अभी इसकी शुरुआत है सर, तो सबको जुड़ना है, आज जैसे 25 लोग जुड़े हैं, 93 लोगों को जुड़ना, जो जो जुड़े उसका सारा सारा रिकॉर्डिंग। तो अब मेरा कहना है कि हम लोगों को ये अभियान है बिहार सरकार की, ये निपुण बिहार लक्ष्य है, और इसके तहत आप लोगों को बताते हुए खुशी भी हो रही है कि हम सभी को सबको एक्टिव कर दिया गया है, और ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी हो हम लोगों को कार्य को निष्पादित करना है, इसका समय सीमा भी है, इसलिए सभी आपसे आग्रह और निवेदन है कि आप लोग अपना खोल खोल कर पढ़े और जो भी गतिविधि है उसको करे। फोटो अपलोड करना है, वह सिंपल फोटो खींचना है और अपलोड कर देना है, जैसे अपलोड गतिविधि के बारे में कोई जानकारी देंगी? हाँ, गतिविधि जैसे संख्या आधारित, इसका हेडिंग ही है मैडम कि क्या है ये, तो आपका दीक्षा ऐप के माध्यम से इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है, किसके लिए? बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। बुनियादी पहले तो वन टू, मैं एक बार सुनिएगा, पहले जो है 1-8 को ग्रुप में डिवाइड किए, 1-3 अलग, 4-5 अलग, 6-7-8 एक ग्रुप में, तीन ग्रुप में नामित शिक्षक कर दिए हम लोग, और उसके बाद जो है उसमें जो गतिविधि है वो थोड़ा 1-3 में तो ठीक है, 4-5 तक ठीक है, 6-7-8 में गतिविधि में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। क्या गतिविधि संबंधित कोई किताब या कोई इंस्ट्रक्शन है आपके पास? देखिए मैम, गतिविधि तो आप जैसे हिंदी पढ़ाते हैं तो हिंदी का चैप्टर पढ़ाते हैं, प्रोजेक्ट वर्क चार्ट पेपर करवाइए, जैसे मैं अपने विद्यालय में हिंदी पढ़ाती हूँ तो हिंदी की कविताएं बच्चों से लिखवाती हूँ, बच्चा को गा गा के पढ़ने बोलती हूँ, तो गतिविधि तो हम चार्ट पेपर कलर पेंसिल से बच्चों से करवा सकते हैं। फिर बच्चा का प्रोजेक्ट है, जैसे अभी भूगोल है तो भूगोल में आपको ब्रह्मांड है चैप्टर, तो उसमें आप 9 ग्रह बताइएगा, सूरज परिवार का मुखिया होता है, उसी प्रकार आप बच्चों को हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे हैं, आप कहीं भी गतिविधि खुद से ही चार्ट पेपर का प्रयोग करके कर सकती हैं मैम। इसका मतलब कि इतिहास भूगोल किसी से संबंधित हो सकता है प्रोजेक्ट? जी जी, जैसे इतिहास ही है तो इतिहास में आप नहीं, भाषा नहीं, एक बात आई थी सामने कि भाषा और संख्यात्मक ज्ञान के ही बारे में बताना है,
तो इतिहास भूगोल है इसमें ऐसा तो नहीं था इसलिए पूछ रहे थे। नहीं नहीं मैम, भाषा को तो देख पहला प्रायोरिटी भाषा ही है क्योंकि भाषा से ही हम इतिहास पढ़ सकेंगे, तो भाषा को इम्प्रूव करना है। ऐसे एक से लेकर तीन में ये देखा गया है, ये सर्वे हुआ है कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, वो जोड़ गुना घटाव भाग नहीं कर पाते हैं, इसके कारण ये अभियान बनाया जा रहा है और अभियान बन गया है और इसी को चेक करने विभाग से लोग आएंगे विद्यालय विद्यालय। मेन मेन यहाँ विभाग की भी गलती है ना, वो उम्र सापेक्ष एडमिशन करवा लेते हैं। मैम अभी आता है नहीं आता चल रहा है, वो प्रॉब्लम है ना। जी जी रिकॉर्डिंग में है, आप ध्यान दीजिएगा। कहना ये था मैम कि आप है चार्ट पेपर देकर आप लेकर तीन के शिक्षकों को चार्ट पेपर वर्क ज्यादा दीजिए, उसके बाद उन्हीं का फोटो अपलोड कीजिए, उसके बाद 6-7-8 का प्रोजेक्ट बना के डालिए। कहीं दिक्कत हो तो हम तो अपने विद्यालय में कर रहे हैं, तो हम आपके लिए करने के लिए यहाँ तत्पर है। मैं भी अपने लिंक साझा करूँगी, पूरा गतिविधि या फोटो करने के बाद अपलोड करने के लिए आपके पास जरूर पहुंच जाएंगे। मैम ये एक मिनट, सिर्फ फोटो ही अपलोड करना है? जैसे आप कोर्स करेंगी ना तो कोर्स करते हुए लगेगा कि आप कोर्स कर रही हैं, तो वहां से आपको मॉनिटरिंग किया जा रहा है, सभी तकनीकी डिपार्टमेंट आपको मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि इसमें अब वो नहीं है पहले वाली बात की आगे बढ़ा दिए और पीछे कर दिए। इसमें क्या है ना, इसको जो है गतिविधि दीक्षा ऐप के माध्यम हमारा जो ये काम माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट अपलोड करना है और स्पोर्ट्स को पूरा करना है, इसमें सभी की सहभागिता 100% होगी। इसी आशा विश्वास के साथ आज मैं दरभंगा बीआरसी से अब इस मीटिंग को यहाँ विराम करती हूँ, अगले मीटिंग में फिर मुलाकात होगी। जी नमस्ते।